हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती 2023 की, जो कि आपकी 9000 पोस्टों के ऊपर जो वैकेंसी आई थी उसका आपका यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप है वो काम पूरा हो चुका है। अब आपके डाउट्स आ रहे होंगे सर एग्जाम कब तक होगा, तो एग्जाम की उन्होंने डेट बताई है वो 1/7/2023 से लेकर 13/7/2023 बताइए। पर मेरे हिसाब से लगता है कि जिस तरीके से फॉरम इनके पास आए उसके हिसाब से 13 दिन में एग्जाम आपका होना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, पर वो डेट बढ़ाना इनका काम है, एग्जाम लेना इनका काम है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है वो चीज़ हम देख लेते हैं। हमारा काम है रिटर्न एग्जाम की तैयारी करना, और हमारा काम ये भी है कि टोटल कितने बच्चे एग्जाम दे सकते हैं वो चीज़ आप जान रखना, कितने बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही बात कर लेते हैं टोटल आपके कितने बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, टोटल कितने बच्चे आपके फिजिकल के लिए, कितने गुना फिजिकल को आपको बुलाए जाएंगे। साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे आपकी कितने आपको गुना बुलाए जाएंगे या कितने बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, और अभी कट ऑफ क्या रहती है, कट ऑफ के बारे में भी इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। तो जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी जिन्होंने फॉर्म भरा है सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का, वो बंदे ध्यान से देखिए और वीडियो को शेयर हो रही थी। आप चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट हर एक जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिल सके। बात कर लेते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की टोटल कितने बच्चे एग्जाम देंगे। देखो टोटली आपके 24 लाख के लगभग यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुए हैं। अब देखो 24 लाख बंदे तो एग्जाम देने वाले हैं नहीं, आज तक रिकॉर्ड है 60% से बंदे एग्जाम देते हैं। अब देखो 24 लाख का 60% आपका, 20 लाख का 60% आपका, यहाँ पर पता है कि लगभग 12, हम मान लेते हैं कि 14 लाख बंदे यहाँ पर एग्जाम देने वाले, 14 लाख बंदे आपके एग्जाम देने वाले, 14 लाख, 14 लाख से ज़्यादा बंदे एग्जाम नहीं देंगे, होंगे 14 लाख से कमी, पर 14 लाख से ज़्यादा बंदे किसी भी सूरत में कोई भी आपके यहाँ पर कहीं भी आंकड़ा ले लो आज तक का रिकॉर्ड है, एग्जाम में कभी 100% नहीं होता। एग्जाम ले लो कोई भी डिटेल ले लो, आपका कभी भी 100% किसी भी भर्ती में नहीं होता, ये ध्यान रखना दोस्तों। पर 14 लाख बंदों में से आपको कितने में आना है, देखो अब आपको बता दूँ पोस्ट इसमें अंदर 9000+ पोस्ट है, 9148 प्लस पोस्ट है, ठीक है 9148 पोस्ट है। बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों कि आपके कितने गुना आपको यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। देखो वैसे सीआरपीएफ ने कुछ आपका यहाँ पर फिक्स नहीं किया, पर जो मेरे पास अकॉर्डिंग आंकड़ा है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना ताकि आपको हर एक अपडेट हर एक जानकारी मिल सके। बात कर लेते हैं यहाँ पर, मान लो कि 8 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाता है सीआरपीएफ, लगभग 8 या 7 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाएगा। तो एवरेज ना हम 8 गुना कैंडिडेट को लें तो आप 9000 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो 9 बेहतर होते हैं, लगभग 72000 कैंडिडेट को यहाँ पर रिटर्न एग्जाम में पास किया जाएगा। अब 72000 कैंडिडेट्स में यदि आपको आना है ना, तो जी जान लगन मेहनत के साथ तैयारी करनी होगी। ये नहीं कि भाई आप यहाँ पर तैयारी नहीं करोगे और आपका 72000 में आ जाएगा। आप तैयारी नहीं करोगे तो भाई 72000 में क्या आप 15 लाख पास करोगे ना, तो भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें पासिंग क्राइटेरिया जो दिया गया उसमें ही नहीं आ पाओगे तो कहाँ से होगा। तो 72000 में आने के लिए आपको जीत जान लगन मेहनत के साथ तैयारी करनी होगी। अब बात कर लेते हैं जो हाईएस्ट कट ऑफ वाली जो ट्रेड है उनकी मैं बात कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले हाईएस्ट कट ऑफ की बात करूँ तो वो आती है आपकी सफाई कर्मचारी, सिपाही कर्मचारी की हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी इस बार, जो कि आपकी 80+ रहने के चांसेस है। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। इसके बाद ये बात कर लेता हूँ बिगुलर की, जो कि आपकी इस बार ध्यान रखना बिगुलर की भी भाई आपका 80+ रहने के चांसेस है, क्योंकि बिगुलर में भी अच्छे खासे फॉरम यहाँ पर फिलअप हुए हैं। इसके बाद ये बात कर लेता हूँ कुक की, कुक में भी भाई अच्छे खासे फॉरम फिलअप हुए और कुक की भी भाई हाईएस्ट कट ऑफ रहेगी। हाईएस्ट कट ऑफ कुक की आपकी 75+ में हो जाएगा, क्योंकि कुक की आपकी पोस्ट भी ज़्यादा है, तो कुक में आपके 75+ में यहाँ पर हो सकता है। तो ये आपकी जो मैंने हाईएस्ट कट ऑफ बताई। अब लोएस्ट कट ऑफ में बात करूँ तो आपका लोएस्ट कट ऑफ के अंदर आ जाता है आपका कारपेंटर, कारपेंटर की आपकी लोएस्ट कट ऑफ रहेगी, जिसके यदि आपके 50 क्वेश्चन भी से हैं तो आपका कारपेंटर में होने के चांसेज है। इसके अलावा आपकी बात करूँ यहाँ पर पेंटर में भी आपका चांसेज बन रहा है। इसके अलावा बात करूँ तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि आता आपका यहाँ पर जो बार्बर है, बार्बर में भाई अच्छे खासे फॉरम भरे जाते हैं, पर बार्बर का ट्रेड टेस्ट यहाँ पर आपका हाई फाई होता है, तो बार्बर का ट्रेड टेस्ट को पास करना मुश्किल रहता है। इस कारण से यहाँ पर थोड़ा नॉर्मली रहता है आंकड़ा, ज़्यादा आंकड़ा नहीं रहता। यदि आप 65+ भी लेकर आ जाते हो तो बार्बर में भी हो जाता है, ये चीज़ आप जानना, बार्बर में 65+ भी आंकड़ा हमें हो जाता है। तो ये चीज़ आप जानना, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की डेट में आपको अपडेट दे रहा हूँ। और बता दूँ दोस्तों, यदि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, कोई भी हो राज्य हो, अपने तैयारी को यदि बरकरार रखना चाहते हो ना, तो बता दूँ आपको भाई आपको टेलीग्राम चैनल पर लाइव टेस्ट का आपका भी यहाँ पर फॉर्मूला अपना रहा है कि बहुत जल्द आपको टेस्ट यहाँ पर आपके लिए दिए जाएंगे, कि आपको टेस्ट यहाँ पर टेलीग्राम में देना है। टेलीग्राम में आप टेस्ट दो, अपने तैयारी करो, आप अंजाम दो कितने आप कौन सी रैंक पर आते हो, तैयारी को आप बिल्कुल अंजाम देंगे हम, जिसके अंदर 3 टेस्ट आपका दिन के अंदर रखेंगे, 3 आपके 10-10 क्वेश्चन का यहाँ पर टेस्ट रखेंगे, जिसके अगर
नॉर्मल आपके क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपडेट दे दी जाएगी, आपकी रैंक बताई जाएगी, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं सीआरएफ पोस्टेबल ट्रेड्स की तैयारी करना चाहते हैं, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 आप सर्च कीजिए टेलीग्राम में जाकर, वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी। तो सीआरएफ पोस्टेबल ट्रेड्स की अपडेट मैं आपको दे रहा था, आगे देखो जो भी कोई अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी, इसी तरीके से यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निजाना साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।